विभागों की समीक्षा की दौरान राज्य में संचालित चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोरोना संक्रमितों को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रधानों से कहा कि राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करें ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही सरकार कोविड से मरने वालों के परिजनों को परिवार लाभ योजना से जोड़ने की योजना तैयार कर रही है। इसके तहत उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से पेंशन, आवास या अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। आपको बता दें कि कोरोना से पीड़ित लोगों को राहत देने को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विभागीय प्रधानों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई थी, तो वहीं आज सीएम सोरेन आपदा विभाग के साथ बैठक करेंगे। तो आपको बता दें कि झारखंड में भी जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया गया। दूसरा पड़ाव स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का चल रहा है, जो कि कल तक रहेगा और आज बैठक की जाएगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ इस पर निर्णय लिया जाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को भी विभागों की समीक्षा की। इस दौरान राज्य में संचालित चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोरोना संक्रमितों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विभागीय प्रधानों से मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा है कि राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करें ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों के परिजनों को परिवार लाभ योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है सरकार। इसके तहत उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से पेंशन, आवास या अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। कोरोना से पीड़ित लोगों को राहत देने को लेकर मुख्यमंत्री लगातार पहल कर रही है। मंगलवार को भी विभागीय प्रधानों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और आज अब सीएम सोरेन आपदा विभाग के साथ बैठक करेंगे। जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, दूसरा पड़ाव इसका है, आज बैठक की जाएगी आपदा विभाग के साथ, तो इसमें आज निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, क्या पाबंदियाँ और सख्त की जाती हैं। क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर देखने को मिल रहा है, झारखंड में मामलों में कमी देखी गई है जब से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया गया है। तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विभागों की समीक्षा की थी, इस दौरान संक्रमितों को तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए थे और किस तरीके से अब लाभ संक्रमितों को दिलाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रधानों से कहा था कि राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करें ताकि कोरोना संक्रमितों का इसका लाभ मिल सके। साथ ही सरकार कोविड से मरने वालों के परिजनों को परिवार लाभ योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। झारखंड में भी बैठकों का दौर चल रहा है, कोरोना की समीक्षा की जा रही है, विभागों की समीक्षा की जा रही है। राज्य में किस तरीके से कोरोना के मामलों में कमी आ सकती है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। योजनाओं को किस तरीके से लोगों तक, कोरोना मरीजों तक जोड़ा जा सकता है, इस पर भी निर्देश दिए गए हैं। विभागीय प्रधानों से बैठक हुई है। राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम पहल अब सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों के परिजनों के परिवार लाभ योजना से जोड़ने की तैयारी भी सरकार कर रही है। उन्हें जरूरत के हिसाब से पेंशन, आवास या अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। कोरोना से पीड़ित लोगों को राहत देने को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विभागीय प्रधानों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई थी, तो वहीं सीएम सोरेन आपदा विभाग के साथ आज बैठक करेंगे। और जिस तरीके से कोरोना के मामले पहले बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाने से उनमें कमी देखने को मिली है और दूसरा पड़ाव चल रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का। आज अब ये आपदा विभाग की जो बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसको और बढ़ाया जाता है, क्या तीसरा पड़ाव भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आता है। क्योंकि जितना असर इसका देखने को मिला है, जनता के बीच में जितनी जागरूकता देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं कोरोना के केस में, कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागों के साथ समीक्षा कर रहे हैं
और जिस तरीके से बैठकें की जा रही हैं झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा लगातार जो बैठकें की जा रही हैं, विभागों की समीक्षा की जा रही है, इस दौरान चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोरोना संक्रमितों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और विभागीय प्रधानों से कहा गया है कि राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करें, संक्रमितों को इसका लाभ मिल सके। सरकार कोविड से मरने वालों के परिजनों के परिवार लाभ योजना से जोड़ने की तैयारी भी कर रही है, जिसके तहत उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से पेंशन, आवास या अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, सीएम हेमंत सोरेन लगातार बैठकें कर रहे हैं, इस दौरान मंगलवार को भी बैठक हुई है, आज आपदा विभाग की ओर से बैठक आयोजित की जाएगी। मंगलवार को जो बैठक आयोजित की गई है उसकी अगर बात की तो क्या कुछ खास रहा उस दौरान? देखिये, मंगलवार की जो बैठक थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम विभाग के सचिवों के साथ इस बैठक को आयोजित किया था और हर विभाग के सचिव को यह एक होमवर्क दिया गया था कि वो अपने विभाग के बारे में एक प्रेजेंटेशन लेकर आए, जिससे राज्य के गरीब लोगों के बारे में और बाकी जिन्हें परेशानी है उनके बारे में कैसे और विकास के काम किए जा सकते हैं, इस संबंध में उनको दिशा निर्देश दिया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी इस बैठक का आयोजन किया गया और सबसे अहम बात आपको बता दें कि इस बैठक में राज्य के तमाम अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री और इनके विभागीय मंत्रियों के भी सम्मिलित हुए और कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है और साथ ही साथ बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों पे लगाम लग चुका है, अब ऐसे में सबसे अहम यह है कि राज्य के विकास को भी आगे बढ़ाने की बात करनी है, राज्य किस तरीके से आर्थिक मसलों पर आगे बढ़ेगा और किस तरीके से जो पीछे छूट रहा है उसको हम कैसे आगे और संभाल सकते हैं, उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर कल एक बैठक की गई थी जिसमें उम्मीद यह की जा रही है कि आने वाले समय में सरकार किस तरीके से काम करेगी और सरकार की विकास योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर लागू किया जाएगा, क्योंकि जिन योजनाओं को लेकर सरकार काम कर रही थी उन योजनाओं को धरातल पर उतारने में अभी तक सफलता मिल नहीं पाई है जी। और रह गई बात आज के लिए, तो आपको बता दें कि 6 मई की सुबह 6 बजे तक, यानी कल सुबह 6 बजे तक अगले 23 घंटे के अंदर ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण की समाप्ति हो रही है और माना यह जा रहा है कि इन 2 चरणों में झारखंड ने कोरोना संक्रमण के वृद्धि को, इसके लगाम को थामा है और संक्रमण में नियंत्रण प्राप्त हुआ है। अब जाहिर सी बात है, इन परिस्थितियों में आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी और उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या लॉकडाउन यहीं तक जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण के आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो संक्रमित हो रहे मरीजों के आंकड़ों की बात करें या फिर स्वस्थ होकर घर वापस लौट रहे लोगों की बात करें, दोनों आंकड़ों में जो निकलकर सामने आ रहे हैं उससे राज्य सरकार काफी संतुष्ट है, क्योंकि आप देखेंगे स्वस्थ होकर मरीजों के घर लौटने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आस्था जी, बिल्कुल, जिस तरीके से रिकवरी रेट में सुधार देखने को मिल रहा है, जितने मरीज मिल रहे हैं उससे ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े पहले बढ़ रहे थे वो अब नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो चलाया जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। तो आज जो बैठक आयोजित की जाएगी आपदा विभाग के साथ में, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार यही निर्णय ले सकती है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए? देखें, जो परिस्थितियां झारखंड की बन पड़ी हैं, स्वास्थ्य संसाधनों की बात कर लें या बाकी दूसरे अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की बात कर लें या जो राज्य के मौजूदा हालात हैं उन हालातों की चर्चा कर लें, तो आप मानकर चलें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 1 सप्ताह के लिए कम से कम और बढ़ेगा। जिन आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही थी, एक समय ऐसा था आशा कि आंकड़े लगभग 10,000 के
पास पहुंच गए थे संक्रमित हो रहे मरीजों की संख्या की बात अगर कर लें, और जहां स्वस्थ होकर रिकवरी रेट की बात कर लें तो रिकवर कर रहे मरीज बहुत कम संख्या में थे। अब जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है, वहीं रिकवरी रेट भी बढ़ा है और स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। राजधानी रांची के ऊपर बहुत लोड था, राजधानी रांची में प्रतिदिन 1000 से ऊपर संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन इन आंकड़ों पर भी लगाम लगी है। जाहिर सी बात है इसके पीछे की वजह केवल और केवल एक है कि राज्य ने आज 13वां दिन है राज्य का लॉकडाउन का, और इस 13वें दिन में जाकर जिस तरीके से संक्रमण की चेन को थामने का काम किया है उसने एक अहम योगदान दिया है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य संसाधनों में भी धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, स्वास्थ्य संसाधन भी धीरे धीरे विकसित किए जा रहे हैं, तो रिकवरी रेट उनकी वजह से भी बढ़े हैं। उम्मीद भी हम की जा रही है, और अनाधिकारिक सूत्रों की माने तो आप कह सकती हैं कि आज देर शाम होते होते यह नतीजा आ जाएगा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। जी कुनाल जी, स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर झारखंड की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कुछ सुधार देखने को मिला है? देखें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार की अगर बात कर लें तो ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही थी सिलेंडरों को लेकर या ऑक्सीजन को लेकर, वह लगभग समाप्त हो चुकी है। रेमडेसिविर दवाई जो इंजेक्शन थी जिसकी कालाबाजारी की चर्चा आ रही थी, उसकी कालाबाजारी अब लगभग समाप्त हो चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से आईसीयू बेड की दिक्कतें हो रही थी वह भी धीरे धीरे कम हो रही है। कल ही मुख्यमंत्री ने संजीवनी वाहन रवाना किया था हरी झंडी दिखाकर। यह संजीवनी वाहन जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से लैस होंगे और किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत होने के बाद ये फौरी तौर पर उस अस्पताल को ऑक्सीजन मुहैया करा पाने में सक्षम होंगे। तो ऐसे ऐसे व्यवस्थाओं का विकास किया जा रहा है। झारखंड में कोविड सर्किट आज की तारीख में लगभग 6 से 7 जिलों में काम कर रहा है, जहां के मरीज दूसरे नजदीकी जिलों में जाकर अपना इलाज करा पाने में सक्षम हो रहे हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है ऐसा धीरे धीरे कह सकती हैं कि आगे आ रही हैं, और जो पहले स्वास्थ्य सुविधाओं में बद इंतजामी थी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी थी, आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, ये दिक्कतें अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी हैं। तो माना यह जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है, खास करके अस्पताल में आईसीयू या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात करें तो वो भी मरीजों को मुहैया होने लगे हैं, उन्हें मुहैया कराने के लिए कॉल सेंटर, ये तमाम तरह की सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं। और खास करके प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा महकमा राज्य की जनता के कह सकते हैं कोरोना से बचाव के लिए लगा पड़ा है। बिल्कुल कुंदन जी, तो एक तरीके से कहा जाए जनता के लिए भी ये राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से पहले तमाम संसाधनों में कमी भी देखने को मिलती थी तो अब वो कमी देखने को नहीं मिल रही है, तमाम संसाधनों में बढ़ोतरी की जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रही है, तो जनता के लिए राहत भरी खबरें अब ये सामने आ रही है। बिल्कुल आशा, खास करके अगर झारखंड की जनता की बात करें तो देखें हम 22 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू हो चुका है, लॉकडाउन की प्रक्रिया में राज्य गुजर रहा है। हमने झारखंड ने खास करके पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम किया है, यहाँ से प्रतिदिन वायुसेना के हवाई जहाजों से रेल मार्ग के जरिए टैंकरों में भर भर कर ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है, और इसमें खास करके जमशेदपुर और बोकारो दो शहर हैं जिसने ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे देश में देने का काम किया है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो हम अपने क्षेत्र में हमने जहाँ अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विकसित होना शुरू हो गया है, खास करके अगर सरकारी अस्पतालों की बात कर ले तो रिम्स सदर अस्पताल, जमशेदपुर के एमजीएम, धनबाद के पीएमसीएच, दुमका के अस्पताल, हजारीबाग, पलामू, इन तमाम अस्पतालों में अब एक ऐसी व्यवस्था डेवलप हो चुकी है जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों के पहुंचने के बाद एक सिस्टम के तहत उनकी इलाज शुरू हो जाता है, अब वहां पर कहीं कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होती है।
दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो राज्य के आर्थिक विकास के लिए भी मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं, और जिस तरीके से अधिकारियों से बैठकें हो रही हैं, तमाम अधिकारियों से उनके विभागों का प्रेजेंटेशन मांगा जा रहा है, और मुख्य सचिव खास करके मुख्य सचिव ने जिस तरीके से अधिकारियों के साथ और सरकार के साथ एक समन्वय बनाने की कोशिश की है, यह भी अपने आप में काफी अहम योगदान रहा है। और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे संक्रमण काल के दौरान काफी सजग और संवेदनशील नजर आया है। जी बिल्कुल, जनता के लिए तो अब राहत भरी खबरें आ ही रही हैं, बैठकें की जा रही हैं, और जनता के लिए जो कोरोना से पीड़ित है उनके लिए या फिर जिनकी कोरोना से मौत हो चुकी है उनके परिजनों को राहत देने की अब सरकार कोशिश कर रही है। और आज की जो बैठक होगी उसमें देखना ये होगा कि सरकार ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कितना आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन पहल कर रहे हैं और जिस तरीके से इस पर निर्णय लिए जा रहे हैं, सराहनीय फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, और जनता को भी इससे काफी राहत मिल रही है।